अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग रिलीजन और अपने लिए और समझने के लिए। हमारे साथ सफदर भाई हैं जो कि अटलांटा में होते हैं और एक टेक इंजीनियर हैं, और इनकी हॉबी है कि ये वीडियोस बनाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट अहादीस की। तो सफदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस एंड हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन कैमरा ऑल्सो। एंड थैंक थोड़ा सा बताइए आप क्या करते हैं अभी फिलहाल वीडियो के साथ। यू। वीडियो के साथ मैं मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान में, और उसके अलावा मैं यहाँ पे आईटी कंसल्टिंग करता हूँ एक कंपनी के लिए। एंड बेसिकली वी डू बिजनेस इंटेलिजेंस और यू नो डेवलपमेंट स्टफ भी साइट के ऊपर करते हैं। ठीक है, और जो आप वो बना रहे हैं अभी, जो वीडियोस बना रहे हैं, वो किस क्या क्या वीडियोस बना रहे हैं? अभी जो लिटरली लास्ट 8 ईयर से बेसिकली मैं और मेरी टीम जो है, इट्स अगेन इट्स जस्ट अ साइड प्रोजेक्ट, इट्स अ साइड हॉबी प्रोजेक्ट। सो बेसिकली हम लोगों ने कुरान की ऑडियोज को ब्रेक डाउन किया वर्स बाय वर्स, और उसके अलावा जो हदीस की ऑडियोज अवेलेबल थी उसको हमने ब्रेक डाउन किया वर्स बाय वर्स, और उसके बाद हमने उनकी वीडियोज जनरेट की हैं थ्रू। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। सो वी जनरेट क्रिएटेड हर एक कुरान की आयत की और हदीस की हमने स्लाइड जनरेट की, उसके बाद हमने उसकी जो ब्रोकन डाउन ऑडियो थी उसको मैरी टुगेदर करके वी क्रिएटेड अ वीडियो फाइल पर हदीस और पर आयत, और उसके बाद हमने उसको ज्वाइन कर दिया है। सो यू नो दैट्स वट यू नो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड ऑल दोज वीडियोज। बेसिकली 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड की जो कुरान ऑडियो अवेलेबल थी वी जस्ट ब्रोक इट डाउन एंड क्रिएटेड अ वीडियो आउट ऑफ इट। सो जबरदस्त। तो ये क्यों कर रहे हैं आप? आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माय मेंटल सेटिस्फेक्शन। इट्स जस्ट अ हॉबी, इट जस्ट यू नो बेसिकली मेक्स यू फील गुड, यू नो। सो एंड इट्स गुड बिकॉज जो जो वीडियोस वगैरह जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ, और यू नो सो आई एम लर्निंग ऑन द वे एज वेल। सो यू नो एंड जिस तरह लाइक वी वर टॉकिंग अ लिटल व्हाइल अगो, मेरा प्लान ये था कि एआर टेक्नोलॉजी को, जैसे रेहान भाई यू वर सेइंग एज वेल, इनकॉर्पोरेटिंग दैट इनटू अलेक्सा एंड गूगल, वेयर इट्स नॉट वीडियो नहीं करे, इट्स मोर गोइंग बैक एंड फोर्थ, और उसके बाद उसके अंदर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं यू नो। सॉरी, वो मेरी अलेक्सा जाग जाती है जब आप उसका नाम लेते हैं, तो आपको पता है, तो मैं उसको बंद अच्छा कराया। तो एब्सोल्युटली ना। सो बेसिकली उसको इस टेक्नोलॉजी को लेके यू नो एलेक्सास एंड गूगल होम ऑफ द वर्ल्ड ना, वी कैन यू नो राइट समथिंग वेयर इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ थिंग, देन यू नो वी कैन यूज सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, यू नो यूजिंग अ टेंसर फ्लो, और जिस तरह ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, यू नो वंस यू ट्रेन ऑन दोस थिंग्स ऑन ऑल दिस डेटा इट गेट्स वेरी वेरी एक्यूरेट ना। तो वी कैन डू ऑल दैट, और सेम थिंग वी कैन इनकॉर्पोरेट द एआर टेक्नोलॉजी। अभी वो यू नो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग व्हेन वी आर ऑन अ वे समवेयर, या अगर हम लोग मस्जिद में हैं समवेयर यू नो, तो उसके अंदर वी हैव अ स्पीच रिकॉग्निशन जो आपकी स्पीच को, जिस तरह आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करके इट फिगर्स आउट वेयर थिंग्स आर एट, व्हाट इमाम इज रिसाइटिंग, एंड देन बेसिकली इट बेसिकली शोज यू ऑन द एआर यू नो व्हाट्स बीइंग रेड, बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है, अ लॉट ऑफ देम यू नो इफ यू हैव अनलेस यू अंडरस्टैंड अरबिक लैंग्वेज यू नो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एज फार एज मस्जिद में क्या हो रहा है, क्या खुतबा जो अरबी में खुतबा हो रहा है वो क्या पढ़ा जा रहा है, या अगर अनलेस यू नो कुरान रियली वेल, अनलेस यू हैव हर्ड इट लाइक थाउजेंड ऑफ टाइम एंड यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, आपको नहीं पता चलता कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो बेसिकली
the goal is the project jo idea hai, and again I just don't have enough time to do that, like the goal hai is data ko leke technology ko leke AI bridge AI speech recognition into this aur usko ab AR ke jis tarah apne goggles pehne hue hain ya apne glasses pehne hue hain, it shows you all the information there, so you know all the it's three or four technologies, different technologies marrying well together. So थोड़ा सा अपना चेहरा सेट कर लें कि कट रहा है जब मैं वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ तो अच्छा सॉरी ऊपर का स्क्रीन ऑन द आईफोन ओके लाइक दिस अभी बिल्कुल सही ओके सो जिनको एआर टेक्नोलॉजी नहीं पता वो ऑगमेंटेड रियलिटी को कहते हैं वीआर वर्चुअल रियलिटी को कहते हैं और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में ये होता है कि जो रियलिटी आपको नजर आ रही है आप अपना मोबाइल फोन निकाल के अगर उसको उसके थ्रू देखेंगे तो उसको ऑगमेंट कर दिया जाता है उसको चेंज कर दिया जाता है और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं तो फॉर एग्जांपल आप मस्जिद में बैठे हैं और मौली साहब खुतबा दे रहे हैं तो और आप ऐप खोलेंगे तो मौली साहब जो जो खुतबा दे रहे हैं उसकी बारे में सारी चीज़ें ऑगमेंट करके आपको ऐप दिखा रही होगी कि ये इसकी इसकी चीज़ की बातें हो रही हैं सही समझा मैंने मैं ऐप आपकी ऐप जो है जो जो एआर है आई आई वाज टॉकिंग अबाउट ना हैविंग अ ग्लासेस इफ यू आर वेयरिंग अ ग्लासेस तो आपकी जो ग्लासेस हैं दे आर डूइंग ऑल द वर्क ग्लास ले यू नो लें या फोन ले लें ग्लास अभी कॉमन नहीं हुआ है तो इसलिए इट्स एब्सोल्युटली ना एक्सपेंसिव बिल्कुल ऐसे एंड इट्स नॉट बिल्कुल कॉमन ऐसे येट जैसे अभी आपने वीडियो पोस्ट की थी आई लुक्ड एट इट जो गूगल की आपने वो की थी उर्दू की टाइपिंग की ना टेक्स्ट टाइपिंग की इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट गूगल इज डूइंग योर स्पीच रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग दिस यू नो दिस थिंग वुड डू द सेम एग्जैक्ट थिंग उसके बाद इट इट हैज अ ह्यूज डेटाबेस टू आई मीन प्लेस टू लुक अप एंड समझ गया ना तो वो उसके बाद आप उसको दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में विच एवर दैट यूजर इज कम्फर्टेबल विद यू नो So we, you know, so things get connected there. Now, right now, unless you know Arabic, you know, it's very hard for you. Or yeah, unless you have memorized Quran and you understand the translation of that memorized version, you know, it's very hard for you to, you know, follow through and see what's going on. So. Right. एक्सेलेंट आइडिया ये मैंने 10 साल पहले इन्विजन किया था जो सेम चीज़ आप कर रहे हैं और 7 साल पहले एक टीम बनाई थी एंड आई वांटेड टू क्रिएट ए डिपॉजिटरी फॉर ऑल द रिलीजियस कंटेंट ऑनलाइन जाके उस डिपॉजिटरी को यूज़ करके जब एआई अकलमंद आए अकल आए उसको तो फाइनली वहाँ से निकालना शुरू करते सो वी डोंट स्टिल डोंट हैव एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम ऑनलाइन अवेलेबल द नियरेस्ट to that was made by one guy Zahid Chipa alone wo islam 360 ke upar usne bana ke rakhi hui hai but it's not open library it's a closed library to maine aapko zahid se introduce kiya hai aap usse baat kar rahe hain ki dekho zahid bhai aapki jo app bani hui islam 360 main uske andar ek aapko addition dal sakta hu ki main ttl kehte hain tty kehte hain tts kehte hain text to speech ko use karte hue मैं yes, आपका yes. जितना कंटेंट है उसके ऊपर एक बॉट लगा के वो बॉट बोल रहा होगा जब कोई बंदा कुरान पढ़ रहा होगा तो एक आदमी जो है इस तरीके से बैठा होगा और वो कुरान शरीफ पढ़ रहा होगा जैसे कि मदीना में या इजिप्ट में वो पढ़ाते हैं या यूं हाथ बांध के जो है वो कुरान शरीफ पढ़ रहा होगा तो अच्छा लगेगा लोगों को और वो उसके ऊपर स्क्रीन शेयर दबाएंगे तो वो टीवी पे भी चला जाएगा और किसी डिवाइस पे भी जा सकता है वाइल देयर लिसनिंग यूजिंग देयर ऐप so you can kind of work with him and make it open source so that all others jo aur bhi log interested hain isko karne ke liye wo join kare hamara ek group hai facebook ke upar online islam via internet collaboration group usme thode se log hain again that I created maybe 6-7 years ago aur wo main aapko uska bhi link bhej deta hu but I would love to join हाँ तो वो आइडल पड़ा हुआ है लेकिन यू कैन टेक ओवर एंड डू इट बिकॉज आइडिया अगेन वॉज टू हैव ओपन सोर्स लाइब्रेरीज फॉर ऑल दिस कॉन्टेंट बजाय इसके के सारे लोग एक ही काम करते रहे बार 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 तो अभी तक हमने कोई रिलीजियस लाइब्रेरी नहीं बनाई है इस्लाम की पता नहीं क्रिश्चियनिटी की है या नहीं है जिसको लोग यूज़ करके उस लाइब्रेरी को यूज़ करके कॉन्टेंट को अपने अपनी ऐप्स में अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकें तो अगर लाइब्रेरी होती हो
उससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी बनाना फ्यूचर में। जैसे आप बना रहे हैं, आप टाइप करते हैं या नहीं करते या कॉपी करते हैं मुझे नहीं मालूम, बट जो आपको दिक्कतें आ रही हैं सबको आ रही होती हैं, और उसकी ऑथेंटिसिटी का भी मसला आता है। तो वी वॉन्टेड टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, सो आई हायर्ड अ टीम फॉर 2 ईयर्स टू डू दैट, बट वो कहीं और निकल गया था तो वी स्टॉप डूइंग इट। एंड देन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दैट वॉज कि एक ऐप हो जिससे हम सवाल कर सकें, तो वो हमको कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ बता सके कि अच्छा बताओ कुरान शरीफ जो है वो शैतान के बारे में क्या कहता है, अहादीस में शैतान के बारे में क्या क्या है। तो वो सिंपली बजाय इसके कि हम हाथ से टाइप करें, वो वॉइस रिकग्निशन को यूज़ करते हुए बता सकती है कि भाई कुरान शरीफ ये बोल रहा है, अहादीस वो ये बोल रही हैं। फिर आप उसको क्या और भी कमांड्स दे सकते हैं, अच्छा इसको मिक्स करें, कॉन्टेक्स्ट बताएं, उस साल कौन सा था, ये हदीस किस दिन आई थी, रावी के बारे में बताएं। तो वो जो जो हाइपर लिंकिंग हम वेब पे करते हैं और पढ़ना पड़ता है, और इसके अंदर सारा वो इंस्टेंटली वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी कर सकता है और कॉन्टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है। इसके बारे में आप क्या क्या सोच रहे हैं कि क्या क्या आपके ख्याल लाइक में मुमकिन है कि एब्सोल्युटली इसमें? सो बैक टू द थिंग रिहान भाई, दिस इज अ रियली गुड आइडिया बिकॉज व्हेन यू जब आप हदीस की बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा है ना, आपको चेन ऑफ रावीज के थ्रू जाना पड़ता है, जो स्ट्रांग चेन होती है यू हैव टू फॉलो दैट, और अ लॉट ऑफ हदीसेस, मैंने बहुत सारी हदीसें सुनी है, बुक्स बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह। सुनी है जो यू नो अ लॉट ऑफ टाइम जो वीक नरेशन होती है उसमें कंफ्लिक्टिंग हदीस भी आती है, तो वी जस्ट हैव टू, इसमें एआई जो है दैट कैन प्ले अ वेरी वेल रोल ना, अगर हम उसको फीड द जो डेटा सेट है पूरा उसको वी फीड द राइट वे टू द एआई, इट वुड प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल। अगेन जो आप बात कर रहे हो दिस इज एब्सोल्युटली रियली गुड आइडिया, वी जस्ट हैव टू, इट वुड जस्ट टेक ना मल्टीपल टेक्नोलॉजीज मैरिंग अप टुगेदर। अगेन मेरा जो अल्टीमेट गोल है एआर ग्लासेस में, आई मीन आई इट शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, अगर एवरीथिंग इज बिल्ट इनटू द ग्लासेस ठीक है, नहीं तो अगर वो आपके फोन के साथ पेयर अप हो कि आपका फोन और ग्लासेस जो हैं दे डूइंग द वर्क, बट इफ देर आपको वो दे रहे हैं, इफ देर गिविंग यू व्हाट यू नीड, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दैट वुड बी रियली रियली गुड ना, तो दैट्स अ रियली गुड आइडिया। सही है। तो अगेन इसमें जो आपको हेल्प चाहिए हो, मुफ्ती आज से मिलाना हो या टेक सैवी मुफ्ती से मिलाना हो, मैं मुझे तो जो भी टेक सैवी मुफ्ती मिलता है मैं फौरन पकड़ के उसको इसमें समझाना शुरू कर देता था। एंड फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई वाज थिंकिंग कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ और जो दूसरे मुफ्ती थे, क्योंकि फाइनली एआई लोगों के अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है और उनको रियलिटी के करीब लगने लगी, एटलीस्ट मुझे तो लगने लगी है, औरों को भी लग रही होगी, जिसकी वजह से अब ये समझाना आसान हो गया। 10 साल पहले जब मैं समझा रहा था तो मैं जिस जिसको हायर किया था प्रोजेक्ट मैनेजर उसको भी पूरी तरह मैंने नहीं बताया था, क्योंकि इट वॉज सो डिफिकल्ट एंड वियर्ड टू अंडरस्टैंड इवन कि जी आप फोन से कैसे पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा है, यू नो इट्स। बट नाउ सिंस एवरीबडी हैज एन अलेक्सा और यू नो गूगल असिस्टेंट और सिरी, वो देख चुके हैं या सुन चुके हैं उसके बारे में, तो कम से कम वो रियलाइज कर सकते हैं। और मैं होप करता हूँ कि आप, मैं आपको जीशान उस्मानी से मिलाना चाहूँगा, मुफ्ती सईद से मिलाना चाहूँगा। मुफ्ती सईद को इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एआई ज़रूर डालें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। और दो चार ऐसे मुफ्ती हैं जो कि जिनके साथ मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ, जो कि आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर सकेंगे, एज अ वॉलंटियर भी प्रोवाइड कर सकेंगे, आप उनको